कॉफी विद करण सीजन 8 का दूसरा एपिसोड गुरुवार को रिलीज किया जाना है। इस एपिसोड में करण जौहर के गेस्ट होंगे सनी देओल और बॉबी देओल। इस एपिसोड का प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया। इसमें देओल बंधु जीवन से लेकर के करियर के तमाम मसलों पर बात करते हुए नजर आएंगे। वही आपको बता दें कि सनी देओल ने गदर 2 की अपार सफलता पर बात की है, लेकिन सनी ने अपनी इस फिल्म को ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर कहा है, जिसके बाद फिर से पठान और जवान की कमाई को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। वही बॉबी देओल ने बताया है कि सलमान खान ने उनसे कहा था कि जब उनका करियर ठीक नहीं चल रहा था तो वो सनी देओल के कंधे पर चढ़ गए थे। इस एपिसोड के प्रोमो ने सलमान और शाहरुख दोनों के फैन क्लब को शर्मिंदा कर दिया है। वही इस शो के नए सीजन के ओपनिंग एपिसोड पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहुंचे थे। इस एपिसोड पर बहुत हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद से शो की व्यूअरशिप आसमान छू गई थी। वही अब दूसरे एपिसोड में सनी और बॉबी पहुंचे हैं और प्रोमो देखकर लग रहा है कि ये एपिसोड भी काफी खलबली मचाने वाली है। करण जौहर ने गदर 2 की अपार सफलता के बाद से सनी देओल को इसकी बधाई दी है और फिर सनी देओल से सवाल करते हुए पूछा कि उनकी फिल्म की कमाई ऑर्गेनिक है या नहीं। वही इस पर करण ने पूछा कि क्या सनी को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में फिल्मों की कमाई बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। इस सवाल के जवाब पर पहले तो सनी जोर जोर से हंसने लग पड़ते हैं, फिर बाद में उन्होंने कहा, मुझे पता है कि इस तरह की चीजें होती हैं, इसी तरह से सोसाइटी आगे जा रही है। वही आपको बता दें कि सनी देओल की गदर 2 की भारी सफलता की तारीफ करते हुए करण जौहर ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मपाल जी के किस पर भी चर्चा करते हुए सनी देओल कहते हैं, मेरे पिताजी जो चाहे कर सकते हैं और करने के बाद वो इससे दूर हो जाते हैं। इसी के साथ ही फैंस जो है वो इस प्रोमो को देखने के बाद से खासे एक्साइटेड हो गए हैं कॉफी विद करण सीजन 8 के दूसरे एपिसोड के लिए।